इन दिनों कांग्रेस में कई जगह कलह चल रही है। अभी हाल ही में पंजाब में सिद्धू और कैप्टन के बीच विवाद का निपटारा हुआ, तो अब कांग्रेस का ध्यान राजस्थान में चल रहे विवाद पर है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान के समाधान को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुँचे हैं। वेणुगोपाल और माकन ने शनिवार को सीएम आवास पहुँचकर सीएम गहलोत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार को लेकर करीब ढाई घंटे तक बैठक चली। इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि फैसले का अधिकार सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों नेताओं से साफ कह दिया कि मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार का फैसला सोनिया गांधी को करना है। सोनिया गांधी जो फैसला लेंगी उसके लिए वे तैयार हैं। इसके अलावा प्रदेश में लंबित बोर्ड कॉरपोरेशन में नियुक्तियों के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं और सीएम गहलोत के बीच चर्चा हुई। मुख्यमंत्री गहलोत ने दोनों नेताओं से कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जो भी फैसला लिया जाए उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं की सहमति होनी जरूरी है। इसी के साथ आपको यह भी बताते चलें कि इस बैठक में मैनिफेस्टो के क्रियान्वयन को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है। तीनों नेताओं की सहमति के बाद प्रदेश में अगले सप्ताह AICC की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक बुलाई गई है। कमेटी के अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू अगले हफ्ते जयपुर आएंगे और मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक लेंगे। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब की स्टेट दिल्ली।